अहम्मनी या अल्लाह यबना जहरा बेहक जहरा अदरकनी फी सबीलिल्लाह ली खमसतुन बेहक मजलूम सदकता या नालैन रसूल सदकता या नालैन अलियो बतूल सदकता या नालैन हसनैन शरीफैन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन हस्बुनल्लाहु व निमल वकील निमल मौलाहु व निमन नसीर करीमल्लाह बानियान दी मेहनत कबूल फरमा मोमिनीन दा टोआया कबूल फरमा करीमल्लाह वास्ता हुसैन बादशाह दी आखरी नमाज दा वास्ता हुज्जत दी पाक ना लैंदा इस मारगाई चूँ इस शहर चूँ बानियान दे घर चूँ तुसा जितने आए बैठो तुहाड़ियां घर चूँ जिक्र हुसैन दा लंगर मजलूम दा इमामे जमाना दे जहूर तक जा रही हो सारी आओ करीम अल्लाह हुज्जत खुदा दे जहूर ताजील फरमा साड़िया गुनहगार अखन इस काबिल बना जो सांबार में इमाम दा दीदार कर सकीए सारे बंदे एक वाजिब के सलवात पढ़ो ते उच्चे आवाज नाल पढ़ो माशाल्लाह जिंदगी दराज हो गर्मी भी डाढ़ी है तो सारे दिहाड़ दी मजलिस से सलवात पढ़ पढ़ के भी थके पे हो इवें समझो भाई मैं सलवात पर आखिए तो तुम समझा भाई सैयद एक जरा चंडा पे मंगता है सलवात बहुत ही वाजिब एहतराम है अल्लाह इमाम ज़माना जिंदगी दराज करे वीर मखदूम सैयद नालैन अब्बास बुखारी साहब दी उन्होंने हुक्म आई उन्होंने हुक्म की तामील हो गई तो हाजरे खिदमत लंबी मजलिस का वक्त नहीं बिल्कुल इस सारे दिहाड़े चु सब तो थोड़ा मैं पढ़ना है उन्होंने हुक्म के मुताबिक दो ऐलान हैं वो करने एक तो इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी त्रेवी जिकात भाई सज्जाद की पूरी है तो ढेर सारे मौला दे आकर उसन तो मैं हकीर भी उसा बाबा नलैन सर के हुक्म के मुताबिक इन शाला बशरत जिंदगी ए अशरा मुहर्रम उल हराम ठीक 9:15 जंग शहर डबकरा वाला महला रात का ठीक 9:15 बशरत जिंदगी हाजरी उसी 5 to 6 इन शाला शाह जीवनी हाजरी उसी 1 to 2 अहमदपुर सियाल हाजरी उसी 7वें इमाम का दौर है इमाम मूसा ए काजम अलैहि सलाम का दौर है ना खुतबा पढ़े तो ना ही फजाइल पढ़ना सिर्फ एक फरमान मासूम का पढ़ना है वो मैं दाद नहीं थोड़े को मंगनी सिर्फ तईद मंगनी जितना दिल आके उतनी ही तईद करनी है दाद का तकाजा नहीं दुआ का तकाजा है 7वें इमाम का दौर है एक बंदा टुरदा होया बार गए इमाम चाहे मखदूम साहब हे इंज थोड़े दादे के पैर से हथ रख के अद यबना रसूल अल्लाह मुझे अपनी हकीकत बताएं मुझे बिस्मिल्लाह मुझे अपनी हकीकत बताएं वल्लाह बा हुसैन बाबा नलैन शाह जी मैं सब तो नोतुकदा कीदा है अगर मैं पूरी कायनात तरकड़ी दे एक पलड़े च रखा तो रजा दे बाबे दा जवाब दुए पलड़े च रखा ये पूरी कायनात दा वजन थोड़ा है जिहड़ा इमाम जवाब दिता है उहदा वजन चौखा है मैनू पता लग सी मैं कितने बंदे मेरी गल दी तईद पे करदे ने मुझे अपनी हकीकत बताएं बतूल दा पुत्र मुस्कुरा के आदा है हम इंसानी लिबास में अल्लाह के राज हैं वसे ढंग जी बिस्मिल्लाह जी हम इंसानी लिबास में अल्लाह के राज हैं ऐ तशय्युद अकीदा किताब बनाए मशारिकुल अनवारुल यकीन फी असरार अमीर अल मोमिनीन हाफ़िज़ रजब अल मुर्शिद लिखी किताब है जिथों मैं जुमला पढ़ता पिया ए तशय्युद अकीदा जिहड़ा इमाम दा फरमाया हमें उलूहियत से पाक रखो यानी सानू अल्लाह नहीं रखना और हमें बशरियत से भी पाक रखो अपने जा बंदे ही नहीं आखना थोड़े बंदे बोले हमें उलूहियत से पाक रखो सानू अल्लाह
नहीं रखना और हमें बशरियत से भी पाक रखो। अपने जिया बंदा भी नहीं आखना जी मैं मजमे कुछ बंदे परेशान हो गए, सवाली परेशान हो गया, उस आखे मौला क्यों, मौला क्यों। बतूल का पुत्र आता है बशर जना सुजेंदा है, बंदा जनन सुजेंदा है, वो बंदा भावें जंग दा होवे, वो बंदा भावें पिंडी भटियां दा होवे, वो बंदा भावें लाहौर दा होवे, वो बंदा भावें नजफ दा होवे, वो बंदा भावें मशहद दा होवे, भावें उस बंदे दा घर काबे दे सामने होवे, मासूम पर मैंने बशर जना सुचेंदा है, बंदा जनन सुचेंदा है, वो अपने अकल नाल सुचेंदा है, ते असा अकल च आ नहीं सकदे, क्यों जो अकल पिछे बनी आई असा चाहो ना पहले बने हाय। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बेशक मैनू दाद ना दे मैं तो थोड़ी जातों का पहला पहला शर्त मैं पहली बार आया दाद की लोड़ ही नहीं लेकिन अब बंदे एक आखे नारा हैदरी अद्धे बंद याद ही नहीं आखे और कुरान चवाल मेरे को भाई याद ही आखसो तो जाकर का फायदा नहीं मतलब याद ही आखसो तो मेरा फायदा नहीं छेवें मासूम इमाम का फरमान है वजे बंदे दा आ दिल वाला कोठा साफ है ते मत्था चौना दे दरवाजे ते है औखे ते सौखे टाइम च बंदा साडे बूहे ते आंदा है मासूम दा ओ बंदा जिदा नीयत नाल फकत एक वारा मेरे दादे अली दा नां चाहंदा है छिया महीनिया दी तहज्जुद नमाज तू अफजल है अदिना सवाब लवने हाथ उच्चा करया हैदरी जिंदगी अपने इतनी पढ़ना जड़ा बंदा घरों इस नीयत से आए जो मैं बन के मुहम्मद दी जख्मी धी नू परचाऊं शरीफ का जिक्र शरीफ सुन के जरूर रोंदा है हरख नहीं रोंदी जंगल नसीब वाली अख रोंदी मुकद्दर वाला इंसान होंदा है हर जवान हर बुजुर्ग हर अजादार मेरी गल की गवाही देसी अगर हर अख हुसैन रोवे हा ते अली दी इज्जत अली धी छतरी शहरां च मुर के न मंगे हा शाला तेरी है करबला जावे तेरे मातम दी सदा करबला जावे जहरा दियां इज्जतदार जियां तुहाडे तराज बड़े बख्त वाला बंदे जेड़ा मिट्टी ते बह के हुसैन को रोंदा है बड़े नसीब वाला इतने आके रोना तो तेरा मकाम कितना है दो किताबों का ना चाह के मेरी वैद पढ़न लगा तुहाडा मुकद्दर पढ़न लगा एक ना है मरकज़े इंसानियत और दूसरी किताब का ना है ज़िक्रुल मसाइल केड़ा वड्डा मकाम है और रिवायत पढ़ने तो बाबा अंडलाइन शाह जी पहले जिथे पढ़ा हे इंज अजादारा दे अगों हुसैन की कबर खलो के हथ बन के मिन्नत करदा मैं जब मजलिस से जाओ करो ना तो कोई जाकर मसाइल पढ़े तो ढाई मार कर उन्ना कर हुसैन नो इन्हें खुश के तो खलियां बाई कर करो ना कर क्यों जो खलियां बाई करके रोमना हुसैन दे निखड़े दे दे सुनना ते भला उन्हें सैन राजी अपने केडी इज्जत का मालिक है जरा इतने बह के रोंदा उदा मकाम कितना है एक गुनेगार मोमन दुनिया तो तुर गया घर वाले दफन किया तवीज कबर बंद होया घर वाले वापस आ गए तो फरिश्ते उस गुनागार मोमन की कमरे च आ गए फरिश्ते सोचे बस सारी जिंदगी दुनिया तरह के ये गुनाह करता रहे इनू कमरे च अजियत देवीए नहीं लावण वाला तो हर गैरतमंद बंदे की हाय सुनना चाहता जिंदा जीन मजलिस वाले पास कुरान की कसम ही मेरी वेत लिखी हुई है फरिश्तियां इरादा किया है जो इस अजादार नू कमरे च मारीए या सिरांदी वाले पासों जख्मे हुसैन दे ढा निकली है जिंदगी आउने जिंदगी रुणना है लखवारा रुणना है अकबर दा बाबा तरो के दा नाम मारे है मैं हुसैन एदा मकरूज हाँ मैं हुसैन एदा मकरूज हाँ याद रखो जितने सैयद उमती बैठे हो मसाइब है मासूस साथ दा नाम लफ्ज इतने दिल से महसूस हो ना नलैन साह जी आ दिल रोंद है
दिल रोवे ते अख रोंदी, अख रोवे ते बत है निकलदी। बंदा सीने ते हाथ मार के मातम तना करदा है, जदा लफ्ज इत्थे महसूस होवे फरिश्ते अंदर है अकबर दा बाबा इस गुनहगार दा मकरूज है। मैंने वेख्या हुसैन नाल इस गुनहगार दा, पर मैं तुहानूं नहीं पता इहदा इक वैण मैनू खा गया, इहदा इक वैण मैनू मकरूज कर गया। फरिश्ते अंदर है अकबर दा बाबा केड़ा वैण? फरमाया एक बार मजलस पी आउंदी आई, ये बैठा मजलस च जाकर पढ़िया हा मसाइब, एक लफ्ज इत्थे दे दिल ते लगा ना, इहदा दिल रुना, इहदियां अखां चों हंझू लुड़ियां। इस बैठी जाते वहन कीता सकिया केडे जालम आए करबला दे मुसलमान, जिन्ना अकबर दी लाश ते हुसैन नू मारिया। वाह 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 वाह, भला उन्हें जी करा जी। इस तो उन्हें एक हुक्म है बाबा जी का, उस हुक्म की तामील करनी है। हलफ दवस्ता ताजर है, नाम जैंदा जैद है, ये अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलाम का सहाबी है। जब तक अमीर अल मोमिनीन मदीने रहे, हर साल आके मदीने अमीर दा सलाम करया, अमीर दी जियारत करया। अलामा मुहम्मद महदी सूए जल खफी चंद लखबे, और यो मुझते थे जल इमाम हुसैन बादशाह दे हरम में नमाज पढ़ावन दा शर्फ हासिल। और हुसैन दी कबर ते खलोता मसाइब दी सत्र सब तो पहले, अज तो 9 साल पहले ये मिंबर तो मैं पढ़ी आई। अमीर दे बाद हसन मौला दी जियारत, हसन मौला दे बाद हुसैन बादशाह दी जियारत। कई मजबूरी तो जैद 2 साल हुसैन बादशाह दे सलाम ते मदीने नहीं आए। एक दर दीगर दे टाइम में जंग दी धरती ते पहला मसाइब बुढ़ा लफ्ज आखन लगा, दीगर दे टाइम में अपनी जौजा सलमा नूं आखदा सलमा बुढ़ा हो गया, जिंदगी दा कोई पता नहीं किहड़े मोड़ ते मुक जाए, अगर तू मैनूं सलाह देवे तो मरण तो पहले एक बार हुसैन ना वेखावा। वाह वाह, ये मयार है जंग दा भाई, क्या मयार, लख बार बाबा लख बार जी करा जी करा। इस तो वड्डी केड़ी गल है, जल्दी कर तैयारी कर। सारी रात जैद तैयारी की, सुबह होइए 70 उठ अंबर तक कस्तूरी लद के जैद मदीने का सफर शुरू किया है। जिहड़ी बस्ती च गुजरिया, जेडे शहर च गुजरिया, जेडे पिंड च गुजरिया, लोग बहरा जमना, लोग पुछना कित्थों दा वस्ता ताजर है, बड़े नायाब खुशबू ले वेना है, दसो ये हलफ दा वस्ता हुसैन दे सलाम ते मदीने पे वेना। मैंने वेखे तेरा दिल कर सी मैं है करा, ये ज़ैदा दा जिवें जिवें मदीना करीब आंदा गए ना, अंबर ते कस्तूरी की खुशबू घटन लग पई है। जदा मदीने की पहली गली च मैं कदम रखे ना, मेरे माल की खुशबू मुक गई है, उन्हें गलिए चो एक नवी जी महक पी आती है। जवाना तो वाजब है करना, उन्हें गलिए चो एक नवी जी महक पी आती है। एक बदन वाद यार मैं दूर दबसदा, लोग मेरे को पुछते आए तेरी खुशबू चंगी है, जदा इस गली च आया मेरे माल की खुशबू मुक गई है, इन्हें गलिए चो नवी जी महक पी आती वजह की है। ये बंदा रो के आता यार जे सच पुछता है ना, ये लाजा पहले इस गली चो हुसैन दा अकबर लग गया। जेड़ी गली चो अकबर लगे है, उन्हें गलिया चो मदीने दिया गलिया चो जन्नत दी खुशबू। वाह 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 वाह, भला होवे। आया हुसैन बादशाह दा लख वारा, आया हुसैन बादशाह दा सलाम कीता चंद डी रामण दे बाद, अद मौला इजाजत मैं वतन ते वंजा। हुसैन फरमाइंदे नहीं, अज दी रात टिक पो, मैं तेरे नाल पुत्र जी मेरे एक वखरी गल करनी है। मेहमान खाने च जैद हुसैन उबाले कदम चाह के घर है, मुसल्ले ते बैठी है बहन, बहन को पुछया ने है ज़ैनब बहन तू है अद ते भईवाल, मैं तेरे को सलाह लवन आया, तेरे को पुछण आया, अगर तू इजाजत देवे तो मैं तेरे अकबर दी मंगनी कर छोड़ा। अमीर ना बने, अमीर ना बने, मैं गरीब दी लुट्टे जांच पड़नी है। बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा, अकबर दी मंगनी कर छोड़ा। तड़प टुटी हुसैन मेरे अकबर वास्ते, केड़ा घर पसंद आ गई, केड़ा इलाका पसंद आ गई, केड़ा मुल्क पसंद आ गई। बहन का सर चुम कहते मेरी बहन, वो जरा हलब का सरदार ताजर
मैं मिलना है ना उदी एक धी है जिंदा ना है खदीजा ते तेरा अकबर है सागी है मुहम्मद। मेरा दिल चाहता जिम्मे उस दौर दे मुहम्मद खदीजा की शादी आई इस दौर दे मुहम्मद खदीजा की निस्बत होवे भेण दी हुसैन जाके रिश्ता मंग ते जे जैद रिश्ता कबूल करे ना तो उन्होंने आके खाली वतन ते न जावे उठ लैके मेरे बूहे ते बहावे जो मैं अपनी नूह के ते कायशा भेजे सा बंदा केड़ा जांदी हाय ना निकले पागल थी है जैद दे सामने आके अदन मन वेख मैं खाली वली होए मां दा पोतरा मैं जख्मी मां दा पोतरा मैं महरूमा मां दा पोतरा अगर मैं कुछ मंगा देसे कदम चमके दा मौला जिंदगी देवा हुसैन अदन जिंदगी नहीं तेरी थी खदीजा दा रिश्ता मैं अपने अकबर कीते मंगदा पैर चुमके दा मौला मैनू ये रिश्ता कबूले पर मां दे खाली वलण दा वास्ते एक वारा मैनू अकबर वेखा। नहीं 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 मैं तेरे मिजाजां दी जाकरी पे करना एक वारा मैनू अकबर वेखा। जैद मेहमान खाने हुसैन उबाले कदम चाके घर अकबर दा हाथ नपके जैद दे सामने अपने पुत्र नू मिट्टी ते बहाया अपने हथा नाल हुसैन अकबर दे चेहरे तू नकाब चाहे हुसैन नकाब चाहता रहे तू चुप कर गया हुसैन नकाब चाहता रहे हुसैन नकाब चाहता रहे जदा आखिरी नकाब अकबर दे चेहरे तो हुसैन चाहे ना ते जैद दी नींद अकबर ते लगी है उच्चा वैन करके आदा शाला कहें बाद नजर दी नजर ना लग जावे अकबर शाला जवानी माने शाला भेण पल्लू बनी मिट्टी दबा करों ना लियो अली अकबर नु घर गल ए जुमला मरकज मसाहिब दा अली अकबर नु घर गल के हुसैन अंदर जैद मैं रिश्ता मंगे ते रिश्ता कबूल कीता है अल्लाह दनात मनु ए दसना ते मेरा अकबर क्यों डिठा है शाला समझ आ जावे ते मेरा अकबर क्यों डिठा है अद मौला जे सच पुछता ना मैं तेरे अकबर दे नैन ते नक्श याद कीते जदा वतन ते वैसा ना मैं हलब दे सारे मुसव्वर सडवैसा तेरे सोने पुत्र अली अकबर दा हौलिया देसा तेरे पुत्र दीयां सोहणियां सोहणियां तस्वीरां बणवैसा जिहड़े साडे शहर दे बाहर चार दाखली रास्ते ने मशरक मगरब शुमाल जनूब उन्हां ते इक इक मेहमान खाना बणवैसा विच तेरे पुत्र दीयां तस्वीरां रखसा जड्डा उत्थों कोई गरीब लंघसी मैं अकबर दा सदका देसा। या हुसैन भला होई भला होने इजाजत मौला मैं वतन ते जावां जेड़े सैयद बैठो मैं वतन ते जावा हुसैन अंदर नहीं जैद उठ लैके मेरी भैन दे बूहे ते बहा जो मेरी भैन अपनी नूह किते कश भेजना चाहती है उठ दरवाजे ते बह के हुसैन अंदर आए आलिया भेण उठ दरवाजे ते आ गए जैद बूहे ते बह गए ये गल सुन के अली दी धी पहली हकल मारी है अकबर दी सकी मां दे नाल दूजी मारी है कासम दी मां दे नाल दो भैणा नू छड के दो भरजाइया सद के अली दी धी तबरुका तला उस संदूक चाहे जिंदे विच मां जहरा दी चादर आई हाय मैं मर जावा हाय मैं मर जावा उठ चा के शिया सुनिया संदूक चा के मेरी सहन उठ दी कंड ते रखे ते रो के दी जैद दी च मैं अपनी मां जहरा दी चादर पे भिजे दिया जदा वतन ते जावे ते चादर मेरी नौ दे सिर ते देवे ओनू आखे अकबर दे पालन वाली मां पिया दी आई कदाई ए बुरका पा के बाजार ना वने जो इनू मेरी मां दे हाथ लगे होए ना। हाय हुसैन जी करा इनू कुल दी कुल इस्मत दे हाथ लगे हुए इनू कुल दी कुल तत्हीर दे हाथ लगे हुए चीज़ सुनियो जैद इरादा कीता है वतन टुरा सत्ता कदमा ते जाके वापस आए मौला वैसा हलब हलब दे लोगन खुशखबरी देसा हलब दे लोग खुश हो सन ते जे अगर हलब दे लोग मेरे को पुछया बे अली अकबर दी जान कढ़ा सी तेरे नसीब की गल है तेरे नसीब की गल है कदम जाजा सी कुरान की कसम है तुसा चुप कर गयो मदीने की गलियों च हुसैन ढाई मार के रुना है जैद कदमा ते मत्था मार के माँ दे खाली वलन दे वास्ते मैं जाइंदा पुछिए तुसा रोना शुरू कर दिता है हुसैन ने मत याद रखे इकाठ हिजरी उसी डा मुहर्रम उसी ऐन दुपहरां दे टाइम करबला मैं अकबर नु सेरे पैसा ज्यादा मुहर्रम से करबला चो अकबर दे जंज टुर पोसी ते जैद हो सकदा जंज नु देर हो जावे क्यों जो राह डिठी होए कोई नहीं ते अकबर दिया फुफिया नाल भला होवे सैन राजी होने बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला बस जवानी माने आ गया जैद वतन ते तस्वीरां बनवाईयां
अली अकबर दियां मेहमान खाने बनवाए बिच अली अकबर ने तस्वीरां रखियां नौकरां दी ड्यूटी लग गई जिन्ना उत्थों कोई गरीब लंघड़ा उन्हां नूं अकबर दा सदका मिलिया उन्नू 28 रजब दी अध रात अली अकबर दी जान वतन तो टुर पई 2 मुहर्रम नूं करबला 7 मुहर्रम नूं पाणी बंद 9 मुहर्रम दा दी चढ़ा मेरा जुमला ने उस्ताद उल उलमा दे उदन हुसैन अपने सोहने पुत्र अली अकबर नूं बंदरा बनाया मन वेखे हुसैन अपने सोहने पुत्र अली अकबर नूं बंदरा बनाया जदा हुसैन दा सोहना पुत्र खैमा तो बहर आए ना तो शिया सुनिया वो आदे हुंदे हैं जो शामिया कोई इहो जिहा इस्तकबाल कीता है जो प्यो मकतले च बुढ़ड़ा हो गए माँ खैमे दे दरवाजे ते बुढ़ड़ी हो गई प्यो आदे किथे लथायो मेरा सोहना बचड़ा माँ आदी आई उच्चा बोल बाबा वदा झड़ गई या हुसैन बदवानी माने यारा मुहर्रम दड़ी चढ़ा वेण करा एक यारा मुहर्रम दड़ी चढ़ा अली अकबर दी जान तैयार हो गई ढेर सारी चिट्टियां डाड़ियां बुजुर्ग मेरिया पर्देदार मामा ते बहना तुहाडे पुत्र जीवन तुहाडे बहरा जीवन दस्तूर है तुहाडे साडे इलाके दे रिवाज है जदा कोई जवान बनरा बनदा है बनरे दी हालत केड़ी हुंदी है बनरे दे हत्थां ते मेहंदी हुंदी है हत्थ च गाना हुंदा है मत्थे नाल सेरा हुंदा है सोहणे जी सवारी ते बनरा सवार हुंदा है जड़ियाँ बनरे दियाँ बहन होंदियाँ उन्हां दे सोहणे सोहणे जेवर होंदे उन्हां दे सोहणे सोहणे कपड़े होंदे 14 जून शाम वेले जिहड़े बनरे दी जंज तुहानूं मैं सुणाउंदा पिया अगर तुसीं आखो तो मैं उहदी सवारी सुणावां चुंझने दे ते सवार जड़ियां बहन हैं उन्हां दे हत्थां विच लोहे दे जेवर हैं जड़ी माँ आई उहदे सिर विच अकबर दे सीने दी रात आई उस मेहमान खाने को लाई जिथों अकबर दा सदका लभदा मर जावा जुमला किवे पढ़ा जना जाए ते नौकर दी दीर पई है नाल आले नौकर दा हाथ नब गया दा मेरे नाल आ ओए कोई वड्डे गरीब ने जिन्ना दिया मस्तूरां दे बुरके कोई नहीं आदा ओए ख बच्चिए जंदे कन्ना विचू रात बांधी जंदे हाथ ते अकबर दे मातम दी मोहर बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्लाह करा जिंदगी ओने जैद दोवें नौकर टुरदे होए उठे आए जिता प्यो ते पुत्र के रस्सी विच कैदा है कदी कि तू दवस्ता है सजादा दा वतन मदीना ठंगलियो मदीने दा नाम है जैद नौकर दा वजूद कमर लग पाया आदा बंदा खुदा जे मदीने दा वसदा है अल्लाह दे नां ते इक गल दा जवाब दे मदीने दा सरदार जंदा नां हुसैन है ओदे अकबर नु जानदा है बिरा दी सांग दोडे किया दा नारुआ जिवें मैं जानदा होई वे कोई नहीं जानदा आदे सोनी लथिया हो बाबा चुमदा लाय हाय हाय जी करा इस्ता उने नाल खानदान दे आबाद लखवरा लखवाना जिंदगी दराज होए हुण जितने सईद हुंदे बैठे हो जुमलो पिया पढ़दा जाए ते कद्दे रो पौंदियां ने हुण जाएद नौकर इरादा कीता मैं दुआ सवाल करा नल इंसानी है मैं दुआ सवाल करा बाकर दा बाबा दा बंदा खुदा तू अली अकबर दा क्यों पुछदा है आदा कैदी जे सच पुछदा है साडा हलब दा सरदार है जेंदा नां लै दे इस महीने उहदे घर हुसैन ले सोहणे पुत्र अली अकबर दी जान आउणी है ते कैदी आ जिहड़े मेहमान खाने बने हुए ना अकबर दी जुत्ती दा सदका बनाए ना तदा ही तू कोई गरीब लंघदा है सा अकबर दा सदका देने आया कदी तू मन वड्डा गरीब लगदा है आखे ता मैं सदका देवा पाकर दा बाबा दा हाय गरीबी ओ ज़ैनबादी रोंदा क्यों है आदा उठे आई खलिए ओ जिथू अकबर दा सदका जंदे मदे बच मातम सवाब भला होने हुण जितने सईद बैठे हो
ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰਕੇ ਸਲਾਮਤ ਰਵਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਜਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਭੁੱਖੀ ਆਈ ਖਾਣਾ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੱਸੀ ਆਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੁਰਕਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਹਿੜ ਗਿਆ ਹਾਏ ਉਸ ਤੇਰੇ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮ ਸਵਾਬ ਹੈ ਯਾਰ ਜੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਹਾਦੋਂ ਨੇ ਡਰਦਾ ਖਲਾ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚਲਾਵਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਜ਼ੈਦ ਨੌਕਰ ਬੁਰਕੇ ਚਾਇਨ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਖੇ ਦੇਵਾਂ ਜਸ਼ ਮਰਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਏ ਆਦਾ ਨਾਨਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਖੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਜ਼ੈਦ ਨੌਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਬੁਰਖੇ ਢਾਹ ਪਾਏ ਜ਼ੈਦ ਨੌਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਆਏ ਜਿੱਥਾਂ ਜ਼ੈਦ ਤੇ ਸਲਮਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਅਮਾਮਾ ਢੱਲੋ ਆਈ ਅੱਖਾਂ ਰੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਏ ਨਾ ਆਦੀ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰੋਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬੁਰਕਾ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਸਿਮਰ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਸਲਮਾ ਦੀਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਦ ਹੀ ਆ ਆਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਦੱਡਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਮਾਮਾ ਲੈ ਚੱਕ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਚੁਰਤ ਵਾਂਦੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਵੱਧਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸਜਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹਲਾਉ ਨੇ ਆਦੀਏ ਜ਼ੈਦ ਮੈਨੂੰ ਭੋਲ ਪੈ ਗਏ ਜ਼ੈਦ ਮੈਨੂੰ ਭੋਲ ਪੈ ਗਏ ਮੁਕਤੀ ਪਈ ਆ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਜ਼ੈਦ ਮੈਨੂੰ ਭੋਲ ਪੈ ਗਏ ਮਦੀਨੇ ਸਜਾਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਆਦੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੈਨੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਸੈਦ ਬੈਠੇ ਹੋ ਟੁਰ ਪੈ ਲਏ ਤੇ ਸਲਮਾ ਚੱਲ ਵੇਲੇ ਧੀ ਖਦੀਜਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਖਦੀਜਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਹਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਦੀਏ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀਏ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰੋਵਾਂ ਖਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਓ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਵੋ ਮਾਂ ਓ ਮੇਰੇ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਓ ਕੋਈ ਅਕਬਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਸਵਾਬ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਰਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ ਆਦੀਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਲੋ ਨਹੀਂ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਸ਼ਾਲਾ ਕਬਰ ਹੈ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਰੋਵੇਂ ਸ਼ਾਲਾ ਕਫਨ ਹੈ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਰੋਵੇਂ ਸ਼ਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਕਾਨ ਦੇਵੇ ਆਦੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਰੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰੋਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕੈਦੀ ਆਏ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜੰਜ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਰਬਾਰੋਂ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜਾ ਦੀ ਦੀਦ ਪੈ ਗਈ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਲਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਆ ਜ਼ੈਨਬਾਦੀ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰੋਵਾਂ ਓ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਓ ਭਰਜਾਈ ਆ ਗਈ ਓ ਮੇਰਾ ਸਾਗ ਤੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੋਗੀ ਮਜਲਸ ਸਲਮਾ ਉੱਠੀ ਆਈ ਜੀ ਤਾਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਜੀ ਤਾਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਆਦੀ ਹਾਏ ਮਰ ਜਾ ਹਸੈਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜੰਜ ਦਾ ਰਾਹ ਪਈ ਵੇਖੀ ਆਈ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੁਰਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਕਿਹ ਦੱਸਾ ਅਕਬਰ ਕੋਈ ਗਾ ਮੈਡਾ ਹਾਂ ਬੁਰਕਾ ਲੁੱਟੀ ਗਾ ਮੈਡਾ ਜੰਜ ਤੇ ਲੋਟੀ ਪਾ ਗਈ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਕੋਈ ਨਲੈਨ ਸਾਹ ਜੀ ਤੂੰ ਮਲਾਗ ਲਾ ਔਖਾ ਸਜਾ ਦੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹਨ ਆਦੀਆ ਹਾਏ ਸੈਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲੋ ਬੁਰਕਾ ਥੱਲੇ ਗਏ ਜੈ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਇਥਾਈ ਮਾਤਮ ਰੱਖੇ ਤੇਰਾ ਬੁਰਕਾ ਤਾਂ ਲਹਿ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਸਾਰੀ ਚੁਰਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਚਾ ਰੁਣੀ ਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਨੇ ਸੇ ਮਰੇ ਦੇ ਨਾ ਨਾ ਆ ਬੁਰਕਾ